इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा साल 2023 महमूदाबाद क्षेत्रवासियों के लिए सौगात लेकर आया है। महमूदाबाद क्षेत्र के नूरपुर का बहुप्रतीक्षित पुल के निर्माण का रास्ता शुक्रवार को साफ हो गया। लोक निर्माण विभाग मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने पुल निर्माण के लिए शिलान्यास किया। उन्होंने महमूदाबाद में 85.75 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। प्रदेश का एक एक गांव कस्बा शहरी सुविधाओं से लैस हो, इसलिए पूरे प्रदेश में निर्माण के काम हो रहे हैं। महमूदाबाद में बाईपास बन रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है और अब नूरपुर का प्रतीक्षित पुल बनने जा रहा है। बिलौली से नहर पटरी होते हुए नूरपुर पुल पहुंचे मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने 39.96 करोड़ की लागत से बनने वाले नूरपुर पुल के निर्माण के लिए भूमि पूजन व शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने क्या कहा, तो यहाँ जो आज हम लोग एकत्रित हैं, ये शिलान्यास और ये लोकार्पण, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, मुझे याद है वो दिन, एक तो आपके सांसद जी जब मिलते हैं, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, मगर न हालचाल न कुछ, सीधे विकास की प्लिया यहाँ की पूरी झड़ी लगा देते हैं और पूरी दमदारी से रखते हैं। तो ये आपकी विधायक, ये हमें लखनऊ में और विधानसभा में जो आवाज गूंजती है इस क्षेत्र के विकास के लिए, तो वो आपकी विधायक आशा मौर्य जी की गूंजती है और इस क्षेत्र के विकास की जो भी कार्य होते हैं, आज भी जो ये शिलान्यास हो रहा है तंबौर महमूदाबाद मार्ग पर शारदा सहायक नहर कौन सा है नूरपुर, जब मैं आया था तो हमारी गाड़ी विधायक जी ने रुकवाई थी और चलवा के दिखवाया था कि ये वो पुल है, यहाँ घंटों जाम लग जाता है, यहाँ बड़ी कठिनाई होती है इस क्षेत्र की। सांसद जी भी कहते रहते हैं कि गन्ना क्षेत्र जो यहाँ जब आता है तो ट्रैक्टर ट्रॉलियां और ट्रक के जाम से यहाँ की क्षेत्र बहुत परेशानी में रहती है क्या? क्यों होगा, जो काम हो जाएगा उसके लिए कोई आवाज नहीं निकलेगी और जो काम नहीं होगा उसके लिए पूरी चढ़ाई हो जाएगी। ये शिलान्यास जो यहाँ इस पुल का हो रहा है, ये 40 करोड़ की लागत का है, कोई मामूली चीज नहीं है। और ये इतने हल्के ताली बजेगी तो हम बोरी बिस्तर बांध के जा रहे हैं और कहीं और काम करा के लाएंगे। 40 करोड़ की सौगात है ये, कोई मत समझिएगा कि ये आसानी से हो जाती। सब जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में खींचते हैं, मगर ये जो आज यहाँ ये सेतु का शिलान्यास हो रहा, ये दो नहरों को एक 55 मीटर लंबाई जो ये पार करेगा और ये चौड़ा भी हो जाएगा जितनी रोड है, क्योंकि रोड चौड़ी है और सेतु पतले हैं, इसमें एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लोग रात में आते हैं तो अंदाजा नहीं होता। स्थानीय लोगों को तो पता है कि पुल संकीर्ण है, रोड चौड़ी, तो जो इतने वर्षों से नहीं हुआ है पिछली सरकारों में, वो मैं आज कह रहा कि ये अब होगा, मोदी और योगी युग में ऐसे ऐसे विकास के कार्य कराए जाएंगे जो कभी नहीं हुए होंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीतापुर से भाजपा सांसद राजेश वर्मा ने वर्ष 2014 से लेकर अब तक के सफर पर प्रकाश डालते हुए क्या कहा, उसे भी सुन लेते हैं। 2014 में आप लोगों ने अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमको इस इलाके से पहली बार चुना था और जब मैं 2014 में आपके इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया था तो यहां कोई दूसरे विधानसभाओं के संपर्क मार्ग इतने खराब थे जिनको व्यक्त करना इस मंच के माध्यम से कठिन है। 2014 में जब मैंने आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया तो 2014 में ही मैंने घोषणा की थी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद बिस्वा महमूदाबाद को हम केंद्रीय सड़क निश्चय जोड़ने का काम करेंगे और वो सड़क
केंद्रीय सड़क से सीआरएफ के माध्यम से बंद करके महमूदाबाद को बिस्वा से जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने केंद्र सरकार ने किया था। उसके बाद कई प्रकार के विकास के कार्य होते गए। प्रधानमंत्री सड़क योजना में हमने कई सड़कों को पिछले कार्यकाल में जोड़ा। दूसरे कार्यकाल में जो हमारी दो बहुत बड़ी सड़कें थी जिनकी इतनी हालत जर्जर थी, जो सड़क में गड्ढे नहीं थे, गड्ढे में सड़क थी, वो कौन सी सड़क है? बिस्वा से सदरपुर होते हुए गुड़ैचा चौराहा। उस इलाके के लोग आए होंगे, हम उधर कभी निकलते थे तो ये हिम्मत नहीं पड़ती थी कि दोबारा इस सड़क पर निकला जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उस सड़क को हमने निर्मित करा करके आप लोगों के आवागमन की एक सुविधा प्रदान करने का कार्य किया। उसके बाद दूसरी सड़क थी देबियापुर से पोखरा कला होते हुए गुड़ैचा चौराहा तक। वह भी सड़क इतनी जर्जर थी कि उस सड़क पर निकलना दूभर होता था। उसको भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से चौड़ी सड़क देकर के इस इलाके को मजबूती प्रदान करने का काम किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान ने क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। हकीकत में आज ये जो लोकार्पण और जो शिलान्यास का कार्यक्रम है, ये लगातार आपने देखा होगा कि लगातार माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी लगातार प्रयास करते रहे। उसके वजह से 50 साल जो हमारा पहले पुराना पुल था उसका शिलान्यास हो रहा है। इसकी वजह से मुझको लगता है ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं इसका डोला ट्रैफिक हो जाएगा, से बनते ही बनते, क्योंकि ये सीधा बराइच को जोड़ती है। तो माननीय जी लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना शानदार जो पुल बनाने जा रहे हैं, और यहाँ आरूबी भी बन रहा है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर रेलवे को ओवरब्रिज बनना है, ये भी बड़ा काम हो रहा है कि इसकी वजह से बहुत समस्या थी। तो इसका हमारी सरकार, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे विद्यार्थी हो, चाहे हमारे माताएं बहने हो, हर एक व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ सरकार बड़ा कर रही है। इससे पूर्व लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद का स्वागत राजेश वर्मा, एमएलसी पवन सिंह चौहान, विधायक महमूदाबाद आशा मौर्या, पीडी सेतु निगम के श्रीवास्तव ने पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर किया। लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद कार्यक्रम समाप्ति के बाद राजा रोड स्थित विधायक आशा मौर्य के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उसके बाद सिधौली महमूदाबाद मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण किया, अधिकारियों से प्रगति की रिपोर्ट ली। उन्होंने कार्य को गुणवत्तापूर्ण और समय से पूरा होने के निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक साकेन्द्र प्रताप वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, जिला प्रभारी नीरज सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, चेयरमैन नगर पालिका परिषद महमूदाबाद मोहम्मद अहमद, चेयरमैन नगर पंचायत पैतेपुर प्रतिनिधि उरूज आलम, संकटा देवी मंदिर समिति अध्यक्ष आर के वाजपेयी, भाजपा नेता रमाशंकर वर्मा, चंद्रभूषण शुक्ल आदि लोग मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।